हर किसी का कंफर्ट फूड होता है दाल राइस, तो आज हम बनाएंगे गुजरात की फेमस खट्टी मीठी और तीखी दाल। सबसे पहले हम तुअर दाल को अच्छे से धो लेंगे और इसे ऐड कर देंगे कुकर में, और इसमें हम 2 गुना पानी ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक और हल्दी ऐड कर देंगे और 2 चम्मच जितनी मूंगफली ऐड कर देंगे। और मुझे कमेंट जरूर करना कि आप कहां से देख रहे हो और आपके शहर में कौन सी दाल फेमस है। तो चलिए हमारी दाल को कम्प्लीटली कुक कर लेंगे 2 से 3 सीटी आने तक। हमारी दाल तो अच्छे से कुक हो गई है, तो इसमें हम मूंगफली के दाने अलग कर लेंगे और इस गरम दाल में ही हम ऐड कर देंगे गुड़ और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा छील कर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। ये जब गरम है तभी इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप इसमें ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो। और ये हमारी दाल अच्छे से मिक्स हो गई है, तो हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। उसमें हम ऐड कर देंगे राई, जीरा, मेथी, इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे ड्राई रेड चिली, दालचीनी और बादियान और थोड़े से करी लीव्स ऐड कर देंगे। और नेक्स्ट हम थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे और ये थोड़ा सा छिटक जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे चॉप किए हुए टमाटर और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर गल ना जाए। और ये हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं, तो इसमें हम ऐड कर देंगे हमारी कुक की हुई दाल। इसी के साथ ही हम मूंगफली ऐड कर देंगे हमारी और थोड़ा सा पानी एडजस्ट कर लेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे उबाल आ जाए तब तक। मैं यहाँ पर नमक लास्ट में ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो पहले भी ऐड कर सकते हो। और दाल के ऊपर जो झाग आ रहा है हम इसे निकाल देंगे क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हमारी गुजराती दाल तो बन गई है, तो लास्ट में हम इसमें हरा धनिया और लेमन जूस ऐड कर देंगे। तो ये हमारी गुजराती दाल तो एकदम बनकर तैयार है, तो आप इसे गर्मा गर्म इंजॉय करिए राइस के साथ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टिंग है, खट्टी मीठी और तीखी सबको पसंद आने वाली है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें अपने घर पर एक बार और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी है।